तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम IIT JEE तथा NEET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन जो कि मेडिकल में आया हुआ है? इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे मास में उसका डायमेंशन ए से दिया जाता है, लेंथ में बी से, टाइम में सी से। तुमको बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी ठीक कौन सी हो सकती है। जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं एम का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी द्वारा व्यक्त की जाती हैं तो भौतिक राशि क्या होगी। जैसे सबसे पहला ऑप्शन में इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन में इसने दे रखा है फोर्स, फोर्स दे रखा है। और हमको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। तो यहाँ पे जो एम का पावर ए है, जैसे इसमें बता रहा ना, ए जो है ए की जगह पे क्या है, इसमें वन है, बी की जगह पे क्या है, वन है, और सी की जगह पे क्या है, माइनस टू है। फोर्स के लिए क्या ये डायमेंशन ठीक है? तो हमने देखा है कि फोर्स के लिए जो ए का वैल्यू है वो तो एक होना चाहिए, बी का वैल्यू भी एक होना चाहिए और सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस के दो होना चाहिए। बट इसमें ए का वैल्यू तीन है, बी का माइनस एक है, सी का एक है, तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशन दे रखी है फोर्स के लिए, ए का तीन, बी का माइनस वन, सी का वन, ये गलत दे रखी है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, एनर्जी। और एनर्जी का हमको पता है जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। तो एम का पावर एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे रखा है, एक, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, दो, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस के दो। तो एनर्जी में किसका कितना कितना डायमेंशन बता रहा है, इसमें मास में तो बता रहा है कितना, एक, और लेंथ में कितना बता रहा है, बी का वैल्यू दो, और सी का वैल्यू कितना बता रहा है, माइनस का दो। तो इसका मतलब ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी ठीक लिखा हुआ है। एनर्जी की जो डायमेंशन लिखी हुई है, ए का वन, बी का टू, सी का माइनस टू, ये ठीक लिखी हुई है। इसके अलावा आगे भी आप लोग चेक करना चाहें सी का, सी मतलब क्या है, एक्सीलेशन है। एक्सीलरेशन का मतलब हमको पता है क्या होता है, और इसका डायमेंशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइंड करा था, और इसका डायमेंशन हमने जो पीछे डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाया था उसमें फाइंड करा था। तो क्या होता है, एल टी माइनस टू, तो इसमें एम का तो जीरो है, एल का एक है, तो ए का वैल्यू तो जीरो हो गया, बी का वैल्यू वन हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का दो। देखो ए का वैल्यू पहले ही दो दे रखा है, बी का दो, सी का वन, तो इसलिए इसका मतलब ये भी एक्सीलरेशन के लिए ठीक डायमेंशन नहीं दे रखे हैं। इसके अलावा आप लोग प्रेशर का देखना चाहो, डी क्या है, प्रेशर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब। तो प्रेशर पी इज इक्वल, उनको पता क्या होता है, एफ अपॉन ए, और हमको एफ का पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, अपॉन ए क्या है, एरिया, तो इसको एल स्क्वायर में काउंट करते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम, ऊपर एल का वन है, नीचे दो है, ऊपर जाके माइनस एक हो जाएगा, माइनस वन, टी का माइनस दो। अगर हम ऐसे देखें तो मास में इसका डायमेंशन कितना है, किसका, प्रेशर का, एक है, लेंथ में कितना है, माइनस एक, और टाइम में कितना है, माइनस का दो है। तो जो प्रेशर वाला जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें जो ए मास का डायमेंशन दे रखा है वो तीन, लेंथ का डायमेंशन एक दे रखा है, और टाइम का डायमेंशन दो दे रखा है, बल्कि होना ही चाहिए था। तो इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये जो डायमेंशन दे रखी है ये भी गलत है। तो जो पहले दे रखी थी फोर्स के लिए जो डायमेंशन दे रखी थी इसके द्वारा, क्योंकि जो एम के ऊपर जो पावर लगा हुआ है ए, एल की पावर बी लगा हुआ, टी की पावर सी लगा हुआ है, तो जो ए बी सी है ये मास में, लेंथ में और टाइम में डायमेंशन को शो कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन ये बताना चाह रहा था कि मास में तीन है, लेंथ में माइनस एक है और टाइम में एक है, जो कि गलत है, बट ऐसा है नहीं, होना चाहिए था इतना, ए का वन, बी का वन, सी का माइनस दो। तो इसीलिए इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए एनर्जी का डायमेंशन बिल्कुल ठीक बैठा है। एनर्जी में मास का वन है, लेंथ का टू है और टाइम का माइनस टू, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डायमेंशंस ऑफ वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर वन बाई टू। तो ये जो वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है इसका पावर वन बाई टू अगर कर दें हम लोग तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टेंट है और जो मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट है उनको सॉल्व करके निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होता है 1/4πε₀, इसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर हम लोग इसके अलावा इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसके अलावा हमको पता है जो मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन
4 पाई, इसका वैल्यू जो होता है 10^-7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमको बनाना है 1/μ0ε0। अगर हम लोग इसका और इसका अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/μ0ε0 नहीं बन पाएगा, तो μ0ε0 तब बन जाएगा जब अगर ये μ0 नीचे आ जाए और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम लोग, तो इनका उल्टा कर देते हम लोग, तो 4π/μ0 = तो फिर ये नीचे आएगा 1/10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4π/μ0 = 10^-7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10^+7 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर अपोन न्यूटन हो जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, क्या मिल जाएगा देखो, जब करेंगे तो पहला वाला क्या था 1/4π/ε0, सेकंड क्या था 4π/μ0, 4π/μ0 = 9 × 9 × 10^9, और इसके बाद क्या था ये 10^7 और × 10^7, इनकी यूनिट क्या कहती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है गुणा में यूनिटों का भी गुणा होता है, एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन हो जाएगा। तो देखो अब 4π से तो 4π कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1/ इसको μ0ε0 बचा हमारे पास, = 9 तो है ही ऑलरेडी, 10^9 और 10^7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, यहाँ पे न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बचा है मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बचा है। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μ0ε0 = 9 × 10^16, ये मीटर स्क्वायर है इसका यूनिट और ये एम्पियर स्क्वायर है, एम्पियर स्क्वायर हमको पता है ये सी क्या है, चार्ज है, तो चार्ज क्यू इज इक्वल क्या होता है आई टी, तो आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो इसका मतलब एम्पियर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो एम्पियर के स्क्वायर से एम्पियर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/μ0ε0 = क्या होगा 9 × 10^16। अभी क्या हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बचा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μ0ε0 = 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1/μ0ε0 = 1/2 के बारे में बोल रहा है, तो इसका हम लोग 1/μ0ε0 दोनों साइड 1/2 से पावर लगा देते हैं, मतलब पावरों में गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, और इसका ही पावर कितना 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/μ0ε0 = ये 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये किसका स्पीड है, लाइट का स्पीड है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया पावर में। इसके बाद क्या बचेगा देख रहे हैं आप लोग, 1/μ0ε0 = 1/2, ये जो लाइट का स्पीड है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड में हम लोग काउंट करते हैं, अगर इसका हम लोग डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो 1/μ0ε0 = 1/2 मीटर को हम लोग किस में नापते हैं एल में, एल सेकंड है, सेकंड क्या हो जाएगा टी का माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली 1/μ0ε0 = 1/2 का डायमेंशन आ गया है, कितना आया है यहाँ पे एल टी 2 तो है ही नहीं है, एल का 1/2 और टी का 1/2 भी नहीं है, तो एल टी माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन ठीक आया है, डी वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कई बार इसमें 1/μ0ε0 = 1/2 का वैल्यू भी पूछा गया है, तो उसका अगर वैल्यू पूछा गया है तो कई बार इसका आंसर सी में भी दे रखा है इनके जो ऑप्शन है उसमें, तो ये सी के इक्वल भी हो सकता है।